हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आर्मी और पर्पल हर्ट देखने के बाद आज फाइनली हम बात कर रहे हैं BTS के बारे में। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि BTS के फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, इसके कितने फैंस हैं या फिर इसको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये बातें तो आप सभी को पता ही होंगी, नहीं पता है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप विकिपीडिया पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों BTS दूसरे म्यूजिशियंस से बिल्कुल अलग है, इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें दूसरे बैंड से या फिर दूसरे आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज से बिल्कुल अलग बनाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। BTS का फैंडम किसी भी सेलिब्रिटी के स्टारडम से कई गुना बड़ा और स्ट्रांग है, ये बात तो आपको कमेंट सेक्शन और ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन देखकर समझ आ ही गई होगी। लेकिन ऐसा क्या है इस कोरियन बैंड में जो इसकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है कि लोग सिर्फ इनके सॉन्ग को समझने के लिए कोरियन लैंग्वेज तक सीखने को तैयार हो जाते हैं। इस फैक्ट को साइड में रखते हैं कि सारे मेंबर्स टैलेंटेड हैं और अच्छा गाना गाते हैं, रैप करते हैं, कैची लाइंस लिखते हैं और अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो इस बैंड को बाकी सभी म्यूजिशियंस से या फिर हम कह सकते हैं बाकी सभी सेलिब्रिटीज़ से अलग बनाता है। पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, कोई भी आर्टिस्ट जब कोई सॉन्ग लिखता है तब उसे समझना होता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उसके लिखे गाने का कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ना चाहिए। एक तरफ जहां बाकी के सिंगर्स मेरी ऑडी मेरे पड़ोसी की जैगुआर, काला सूट लाल सूट पीला सूट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं बात करें BTS की तो इन्होंने अपने सॉन्ग में सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर सॉन्ग बनाकर लोगों को इंस्पायर करने का काम किया है। BTS के लिरिक्स हमेशा से ही बाकी के आर्टिस्ट से काफ़ी अलग होते हैं, काइंड ऑफ मोटिवेटिंग होते हैं और इंस्पायरिंग होते हैं। यही रीज़न है कि BTS इज मोर अप्रोचेबल एंड रियल फॉर देयर फैंस। उनके हर एक सॉन्ग का सिर्फ उनके फैंस पर ही नहीं बल्कि सोसाइटी पर भी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, आजकल तो सभी आर्टिस्ट सोशल मीडिया का यूज़ हर उस वे में करते हैं जैसा वो कर सकते हैं। अगर आपको के पॉप के बारे में जानकारी हो तो आपको पता होगा कि मोस्टली के पॉप आर्टिस्ट को ज़्यादा कुछ शेयर करने की आज़ादी नहीं होती है, लेकिन BTS के केस में ऐसा नहीं है। वो अपनी प्राइवेट लाइफ के ग्लिम्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही रहते हैं, जिससे फैंस और उनके आइडल्स के बीच का जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है। सोशल मीडिया पर BTS का उनके फैंस के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा और इतना क्लोज होता है कि सभी फैंस उन्हें अपनी लाइफ का ही एक पार्ट समझने लगते हैं, जिस वजह से उनकी सक्सेस आर्मी को खुद की सक्सेस जैसा फील देती है। और यही रीज़न है कि सभी फैंस भी अपना 100% एफर्ट देते हैं उनके अपकमिंग ट्रैक को चार्ट बस्टर बनाने के लिए। इस लेवल का कनेक्शन शायद ही किसी और सेलेब्रिटी या फिर उनके फैन के बीच हो सकता है, और यही बात उन्हें बाकी के सेलिब्रिटीज से अलग बनाती है। पॉइंट नंबर थ्री, किसी नॉन इंग्लिश आर्टिस्ट या फिर किसी बैंड के लिए बहुत मुश्किल होता है एक ऐसा ट्रैक कंपोज कर पाना जो उनके पूरे वर्ल्ड के फैन को पसंद आए। इस वीडियो के लिए हमने भी उनके कुछ ट्रैक सुने, ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा। उनके ट्रैक सुनकर हम ये कह सकते हैं कि BTS के पास ये क्वालिटी है या फिर उनके ग्रुप के अंदर आपस में वो अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक के बाद एक ऐसे ट्रैक बना पाते हैं जो वर्ल्ड वाइड उनकी सारी ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं और समझ भी आते हैं। पॉइंट नंबर फोर, जहाँ एक तरफ सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स अपने फैन को और अपनी ऑडियंस को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स के अकॉर्डिंग फैंस सिर्फ लिंक पर क्लिक करके अपने ब्रांड की टी शर्ट और मोबाइल केस खरीदने के लिए बने होते हैं, वहीं BTS का अपने फैन के साथ कनेक्शन किसी भी सेलिब्रिटी से बिल्कुल अलग होता है। यही वजह है कि हर सेलिब्रिटी के लिए एक सपने जैसा होता है ऐसा सपोर्ट मिलना जैसा BTS को उनकी आर्मी की तरफ से मिलता है। इस बॉन्ड को हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी BTS फैन से बात करते हैं, उसे जानते हैं, तो आप क्लियरली इस बॉन्ड को समझ पाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि वो जब भी किसी स्टेज पर जाते हैं, किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, कोई अवार्ड जीतते हैं, तो वो कभी भी अपने फैंस को स्पेशल थैंक्स बोलना नहीं भूलते। पॉइंट नंबर फाइव, आई एम नॉट अ BTS फैन, पर हमारे लिए BTS की जो सबसे अच्छी बात है वो है सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। मेंटल हेल्थ का इशू जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस हिसाब से हर इन्फ्लुएंसर का फ़र्ज़ बनता है कि जितना ज़्यादा हो सके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। BTS मेंबर्स किसी भी सोशल इशू पर अपने थॉट्स सामने रखने से पीछे नहीं हटते, कभी नहीं डरते। ऑनलाइन चैरिटी और सोशल मीडिया को साइड में रखें और बात करें ऑफलाइन कामों की, तो आर्मी और BTS की ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपेन
लव माई सेल्फ को यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया। ये कैंपेन एक एंटी वायलेंस कैंपेन है। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बीटीएस के सपोर्ट से चल रहे हैं, जो कि उन लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने का काम करते हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं पर फाइनेंशियली उतने ठीक नहीं हैं। चाहे उनके सॉन्ग हो, उनका ट्वीट हो या फिर कोई सोशल मीडिया पोस्ट, वो हर सीरियस इशू पर लोगों को अवेयर करने का काम करते ही रहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स में मैंने पर्सनली देखा है कि कैसे लोग बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम से बीटीएस के सपोर्ट से बाहर आए हैं, और सिर्फ बीटीएस को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को बिना किसी ग्रीट के सपोर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि क्यों ये 7 मेंबर्स वाला बैंड इतना फेमस है और इनमें और बाकी के सेलिब्रिटीज़ में क्या फ़र्क है। अगर आप भी एक बीटीएस फ़ैन हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें कि आपको बीटीएस क्यों पसंद है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपनी आर्मी के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके हमें मेंशन भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और खुश रहिए।